नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। बिना कोरोना पॉजिटिव हुए भी लोग हो रहे हैं ब्लैक फंगस का शिकार। रीवा का सुंदरजा आम विदेशों तक बिखेरता है अपनी खुशबू। 1968 में हुआ था डाक टिकट जारी। जमीनी विवाद में महिला को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। खबरें अब विस्तार से। बिना कोविड पॉजिटिव हुए युवक हुआ ब्लैक फंगस का शिकार। जिले में अब तक 3 लोगों की हुई मौत तथा 22 लोगों का चल रहा है उपचार। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर काफी गंभीर हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है तथा इस बीमारी के उपचार की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। रीवा जिले में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक के ऊपर कोविड-19 के लक्षण नहीं थे और उसने स्टेराइड का भी इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बावजूद वह ब्लैक फंगस का शिकार हो गया। जिले में पिछले 2 दिनों के भीतर 3 केस ऐसे आए हैं जिनमें कोविड की केस हिस्ट्री नहीं हुई थी, जिसके बाद अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इस मामले में अध्ययन कर रहे हैं तथा ब्लैक फंगस के शिकार लोगों का इलाज किया जा रहा है। ब्लैक फंगस के लिए चयनित मध्य प्रदेश के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चौंकाने वाले फंगस के केस सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों यहां 3 मरीजों की मौत हो चुकी और 17 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान ब्लैक फंगस इन्फेक्शन वार्ड में एक ऐसा मरीज सामने आया है जिसमें कोविड पॉजिटिव के लक्षण नहीं थे और ना ही उसे स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगे थे। इसके बावजूद उसके फंगस के लक्षण दिखाई दिए। डॉक्टर इसकी एंजियोग्राफी कर पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर इसमें किन कारणों से इन्फेक्शन हुआ। ब्लैक फंगस घातक बीमारी साबित हो रही है। महंगा इलाज होने के बाद भी मौत का रेशियो 50-50 है। मेडिकल कॉलेज नेत्र और नाक कान गला विभाग के साथ अन्य चिकित्सकों की टीम एकजुट होकर काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज ने मिशन ब्लैक फंगस शुरू किया है। डॉक्टर मरीजों की स्कैनिंग करने के साथ ही इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं। दरअसल रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के 5 हॉस्पिटलों में शामिल किया गया है जहां ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली जिले के मरीज भर्ती हैं। अब तक रीवा से 1 और सतना के 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि जिले में अब तक 22 मरीज इस इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं, जिनमें से 17 मरीजों का इलाज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं 5 गंभीर रोगियों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रस्तुत है इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी वर्तमान में ये जो ब्लैक फंगस कहें या हम लोग म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, ये एक तरह का फंगस होता हैगा जो ज़्यादातर जो सबसे मुख्य कारण होता हैगा वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती हैगी, उन लोगों में ही प्रायः देखने में आता हैगा। इसके अलावा जो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट जो या हम लोगों ने जो देखे हैं किडनी ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद में, तो पोस्ट ट्रांसप्लांट में कुछ दवाइयाँ चलती है इम्यूनो सप्रेसिंग, उसकी वजह से शरीर का जो इम्यून सिस्टम है जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जब वो कमज़ोर होता है उन लोगों को अक्सर देखने में पाया जाता है। इसके अलावा कोई और अन्य बीमारी जिसके अंदर पेशेंट को कीमोथेरेपी या कोई ऐसी दवाई जैसे स्टेरॉइड उसकी ज़रूरत पड़ रही है जो शरीर के जो इम्यून सिस्टम है उसको कम कर देता है, उन लोगों में देखने में आया है। आइसोलेटेड मतलब जिसमें ये सब नहीं है ये भी हमारे हिंदुस्तान में देखने में मिले हैं, तो वो है अक्सर किडनी के अंदर में माइकोसिस हो जाती है जिसमें किसी भी तरह की कोई जो हमने रिस्क फैक्टर बताया वो ना होने के बावजूद भी ये हो जाता है। तो यूजुअली जनरल पॉपुलेशन में ये बहुत ही रेयर डिसीज़ है, बहुत ही कम लोगों में देखने को प्राय मिलती हैगी और जिसमें मतलब वो लोग उनका जो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है उसके बावजूद भी रेयरली देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत रेयर है। और वर्तमान में अभी हमारे यहाँ पर जो पेशेंट करीब 22 भर्ती है और उसमें अधिकतर में जो पेशेंट हमारे कोविड के थे उन लोगों में और जो पोस्ट कोविड थे उन लोगों में ये देखने में आया है। और कई बार हम लोगों ने जो जब देखे हैं वार्डों में जब कोविड का समय नहीं था तो वो पेशेंट जो डायबिटिक की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस उस दौरान फिर हम लोगों को देखने में ये मिलते हैं। तो इसका मुख्य लक्षण वही है, आँखों की चारों तरफ सूजन हो जाना, नाक से खून आना, जो नाक के दोनों तरफ साइनसेस होते हैं वहाँ दर्द होना,
अगर ये इतना ज़्यादा फैल जाए दांतों में, ब्रेन में, तो उस परिस्थिति के अंदर व्यक्ति को जो है बेहोशी आना और मिर्गी के दौरे, जिस तरह से पड़ते उस तरह के दौरे आना, ये लक्षण आते होंगे। तो इसका जितना जल्दी इसको पहचाना जाए ताकि जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए वो उचित होता है। जब ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव साइनसेस में फैल जाता है तो उसमें सर्जरी होती है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे इंडोस्कोपी की जा रही है, और इंडोस्कोपी में जब देख लिया जाता है कि अंदर ब्लैक फंगस है तो फिर उसका सर्जरी की जा रही है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 22 पेशेंट हैं, तो 17 पेशेंट हमारे सुपर स्पेशलिटी में हैं और कुछ हमारे सीरियस है, तो उनको भी कुछ जो संजय गांधी में सीरियस हालत में आ गए थे वो अभी यहीं है। तो 5 पेशेंट यहाँ पर हैं और 22 टोटल है हमारे पास अभी वर्तमान में। इसमें 3 लोगों की अभी डेथ हुई है, जिसमें ये ब्रेन में जब चला जाता है तो ऐसे में फिर थोड़ा कठिन होता है बचा पाना। तो ऐसे भी पेशेंट पाए गए हैं जो बिना डायबिटीज और कोविड के थे, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी ऐसी? एक हद के से जो रेयरली, ऐसा मैंने बताया कि जैसे हम लोगों के यहाँ पे रेयरली आते हैं इस तरह के जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं और जिनको कोविड भी नहीं है या पोस्ट कोविड है। कई बार ये होता है कि ये लोग भी अननोइंगली स्टीरॉइड का सेवन करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन मुख्यतः जो बहुत जिनका डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर है उन्हीं को देखने होंगे। इनको लेकर के अभी अपने अस्पताल प्रबंधन के साथ दवाई वगैरह क्या है? हमारे यहाँ प्रशासन आपको एक इंजेक्शन एम्फोट्रेक्सिन बी वो दे रही है और हम लोग इन्हें लगा रहे हैं इस इंजेक्शन को। यूँ तो देश में कई तरह के आम पाए जाते हैं, लेकिन रीवा की पहचान कहे जाने वाले फलों के राजा सुंदरजा आम का स्वाद न केवल देश बल्कि विदेशों में भी खूब लोकप्रिय है। इसकी खासियत है कि ये जैसा नाम है ये उसी तरह दिखता भी है और दूसरे आमों से कहीं अधिक स्वादिष्ट भी है। वर्ष 1968 में इसके नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया था। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली आम की 213 प्रजातियों में सबसे प्रमुख सुंदरजा है। ये मुख्यतः रीवा जिले के गोविंदगढ़ की देन है, जो अब पूरे देश की नर्सरियों में पाया जाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका सहित अरब देशों में सुंदरजा अपनी खासियत के चलते आम प्रेमियों को लुभाता है। इसकी खासियत यह है कि सुंदरजा में सेंट जैसी खुशबू होती है और इसका नाम जैसा देखने में है उसी तरह से सुंदर भी दिखाई देता है। आम में मिठास तो इतनी है कि इसे आंख मूंद कर पहचाना जा सकता है, जिसके चलते सभी सुंदरजा को पसंद करते हैं। वर्ष 1968 में इसके नाम से डाक टिकट भी जारी हुआ था। सुंदरजा में कई तरह के गुण पाए जाते हैं, इसलिए भी आम की प्रजातियों में ये सबसे बेहतर माना जाता है। डायबिटीज़ के मरीज भी इस आम का स्वाद उठा सकते हैं और कई दिनों तक इसे रखा जा सकता है। सुंदरजा के एक छोटे से पेड़ में 100 से 125 किलो की पैदावार होती है और एक आम का वजन कम से कम 200 ग्राम होता है। सुंदरजा के साथ साथ फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया में लॉकडाउन के नाम से भी एक आम मौजूद है। इसके अलावा रीवा में आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, मल्लिका, बेंगलोरा, चौसा, बॉम्बे ग्रीम का उत्पादन भी बढ़ा है। ये सभी प्रजातियां लोगों को खूब पसंद है। इस बार फल तो हो रहे हैं, लेकिन इसकी खेती करने वालों को इस बात की चिंता सता रही है कि फल लॉकडाउन के चलते बाहर तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इस संबंध में प्रस्तुत है आम विशेषज्ञ रामलखन जलेश से प्राप्त जानकारी। तो मुख्य रूप से सुंदरजा विख्यात है, जो गोविंदगढ़ के उसमें से चला है और पूरे देश में फैला है। हालांकि गोविंदगढ़ के बाद वो हर बगीचों में आ गया है, नदी बाग, उद्यान विभाग, एजी कॉलेज, हर जगह सुंदरजा आम विश्व प्रसिद्ध रहा आम। और इसमें खासियत है कि शुगर जो जिसको है वो आम वो खा सकता है, लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण उतना अच्छा नहीं चला पा रहा है कि बाहर भी जा पाएगा कि नहीं। एक लॉकडाउन करके भी आम कॉलेज में था, जिसको जरदालू बोलते हैं, उसी का 2 साल पहले मोदी जी ने इसका नाम दिया था जरदालू को लॉकडाउन, तो अब वो इस साल कम आया है। बाकी आम, सीपिया, जरदालू, सुंदरजा, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, आम्रपाली, वनराज और सुकुल, अचार वाले भी आम, बहुत आम वेराइटी हैं। लेकिन इस साल अब थोड़ा यह है कि कोरोना की मार तो व्यापारियों के ऊपर तो है ही। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है कि रीवा के गोविंदगढ़ से सुंदरजा चला है, ये राजा साहब के यहाँ था पहले, और एक पेड़ से ये चला है और आज भी वो आम का पेड़ विद्वान है गोविंदगढ़ में।
और उसमें एक बहुत पुरानी कविता भी हमारी थी, गोविंदगढ़ के जलने सीचा जी से जले, शेरे सफ़ेद सर जमे की शान है सुंदरजा। और कहाँ जाता है ये आम? बाहर बहुत गया, अमेरिका तक गया भाई। यहाँ से जो जोशी जी की लड़की वगैरह जो रहती रही यहाँ, जगदीश चंद जोशी जी की, सांसद जी की, जो बाहरी लोग जानते थे, वो आम यहाँ से रीवा से दिल्ली बॉम्बे और विदेशों तक में जाता रहा आम। ये दो ही आम जाते रहे, सुंदरजा और लॉकडाउन, और ये आपका जरदालू, जरदालू और एक सुकुल करके आम है, अचार वाले भी आम है, रूमानी वगैरह। तो इस साल तो रूमानी वगैरह कम है, बाकी सुंदरजा का इतिहास रीवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन बिंध के बाहर ये फलता बहुत कम है। टिकट भी इसकी, हाँ, इसके टिकट जारी हुई थी 1967 के बाद, इंदिरा गांधी के टाइम में ये, हाँ 65-66 में इसका टिकट जारी हुआ था। टिकट है हमारे पास, और इसके शेर का और इसका बाघ का दोनों मोनोब्लॉक डाक टिकट में ये दोनों चीज़ें थी उस जमाने में। जमीनी विवाद में पड़ोसियों ने महिला को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, चौराहटा थाना क्षेत्र स्थित राहट गांव की है घटना। चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत राहट गांव में शुक्रवार की दोपहर जमीनी विवाद को लेकर दो पड़ोसियों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें एक महिला की लाठी राड और पत्थर से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हम आपको बता दें कि घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पड़ोसी घटना स्थल से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ये दिल दहला देने वाली घटना चौराहटा थाने के राहट गाँव की है, जहाँ शकुंतला साहू निवासी राहट शुक्रवार की दोपहर अपने घर की छपाई करवा रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले चुनकाई साहू, रामगोपाल साहू, छोटे साहू सहित आधा दर्जन ने डंडा और राड तथा पत्थर से महिला पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद घायल महिला के परिजनों को आरोपी धमकाते हुए घटनास्थल से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन तत्काल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना में शामिल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस ने जगह जगह दबिश दी है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल निर्मित है। घटना से परिजन सहित स्थानीय लोग काफी आक्रोशित थे, जिसको देखते हुए गाँव में पुलिस की टीम तैनात की गई है, जिससे कि वहाँ दोबारा विवाद की स्थिति निर्मित न हो पाए। इसके साथ ही पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। कुछ संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने मृतका के पुत्र पर भी किया था हमला। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पड़ोसियों ने महिला के पुत्र भूपेंद्र साहू पर भी हमला किया था। उस समय वह घर के बाहर ही खड़ा था, तभी आरोपी हथियारों डंडा राड व पत्थर लेकर पहुंच गए। इस दौरान युवक अपनी जान बचाकर खेत की तरफ भाग गया, तभी महिला अंदर से बाहर निकली और आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया, उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद जब पुत्र वापस लौट कर आया, तब उसे घटना की जानकारी हुई, तब महिला को अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही महिला की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि दोनों ही पड़ोसियों के बीच पिछले काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा है। उनके घर आसपास ही बने हुए हैं और जमीन के कुछ हिस्से को लेकर कई बार उनके बीच मामूली विवाद भी हो चुका है। शुक्रवार की दोपहर लगभग 3 बजे महिला अपने घर की छपाई करवा रही थी, जिस पर भी आरोपियों ने आपत्ति की। जब महिला नहीं मानी तो आरोपी पड़ोसियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रस्तुत है मृतका के पुत्र भूपेंद्र साहू एवं अंकिता मिश्रा उपनिरीक्षक थाना चौराहटा से प्राप्त जानकारी के अंश। घटना इसलिए हुई है सर, छापते थे तो वो घर मेरा है, तो वो लोग चाहते थे कि ना छापें, तो इसलिए आए दो लोग तो मेरे को मारने लगी। तो मम्मी आई तो बचाने लगी, तो 5-7 लोग थे घर घर की, तो मेरे को चगड़ लिए, तो मैं खेत में भाग गया, तो मम्मी को पड़े तो मार लिए। काहे से मारे? मारे हैं पत्थर, मुटका, लाठी लाए थे। कौन कौन मारा है? मारा है छोटे साहू, रामगोपाल साहू, चुनकाई साहू, लल्लू साहू, शुभम साहू, देवरा वाली, ददरे वाली। कहाँ की घटना हुई? कहाँ की घटना? राहट की, शकुंतला साहू। उम्र 55-56 साल की। हाँ, ये ग्राम रहट की महिला है शकुंतला साहू,
वो मिट्टी छापने का विवाद है पड़ोसियों के साथ, तो मारपीट हुई थी उसके साथ, यहाँ संजय गांधी में उसको एडमिट किया गया था, तो अभी वो ख़त्म हो गई है, तो मर्ग कायम करके बाद पे बेचना जांच के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसियों के साथ विवाद है इनका, जैसा इनके परिजनों ने बताया कि पड़ोसियों के साथ है, बाद में फिर अग्रिम कार्रवाई के बाद ही पूरी। ये घटना समय इनके परिजन 3 बजे की बता रहे हैं, समथिंग 3:30 दोपहर की, 4 बजे ये अस्पताल आ गए हैं। जुए के अड्डे पर अमहिया बिछिया एवं सिटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त दबिश, 8 जुहारी गिरफ्तार, 3 मोटरसाइकिल सहित 10,900 रुपए नगद एवं ताश के पत्ते हुए बरामद। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन में संचालित हो रहे जुए के फड़ में पुलिस ने दबिश देकर आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर उनकी गाड़ियां सहित काफी संख्या में नकदी बरामद की है। आरोपी एक गड्ढे के अंदर छिपकर जुआ खेल रहे थे, पुलिस के देखकर दर्जन भर लोग फरार हो गए, जिनकी गाड़ियां पुलिस थाने उठा लाई है। सिटी कोतवाली थाने के जरिए जोरी गांव में जुए का फड़ संचालित होने की सूचना पुलिस को मिली थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने मैया बिछिया एवं सिटी कोतवाली थाने की पुलिस की टीमें गठित कर कार्यवाही के निर्देश दिए। शाम करीब 7 बजे जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो भगदड़ मच गई। दर्जन भर से अधिक लोग पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए, जबकि 8 लोगों को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। मौके से पुलिस ने 8 जुआरियों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 10,800 रुपए नकदी बरामद हुई है। मौके से पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक वाहन भी जब्त किए हैं, जिसमें सवार होकर शहर से कई लोग जुआ खेलने के लिए वहां पहुंच गए थे। लॉकडाउन का फायदा उठा रहे लोग, नाले के समीप पे एक बड़ा सा गड्ढा था जिसके अंदर छुपकर सभी लोग जुआ खेल रहे थे। आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई, जिसमें जुए के फड़ के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो उक्त स्थान में काफी समय से जुए का फड़ संचालित हो रहा है। शहर के कई व्यापारी लॉकडाउन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहां पहुंचते थे। पुलिस इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के संबंध में जानकारियां जुटा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि लॉकडाउन में भी जुआरी आसानी से यहां पहुंच जाते थे। हर चौराहे में पुलिस की चेकिंग लगी हुई है, इसके बाद ही वे मोहल्ले से होकर अक्सर यहां वाहनों की भीड़ एकत्रित रहती थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। फलस्वरूप इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। इस कार्यवाही में मुख्य रूप से महिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल एवं बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर एवं सिटी कोतवाली पुलिस की अहम भूमिका रही। प्रस्तुत है थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह से इस संबंध में जानकारी के अंश। ये महाजन टोला के पीछे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश कुमार सिंह जी को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा, तो महाजन टोला के पीछे जुआ चल रहा है नहर के किनारे। इस सूचना पर बिछिया थाना प्रभारी एवं अहिया थाना प्रभारी को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भेजा गया था। अब जब दोनों टीमें वहाँ पहुँची तो वहाँ पर ज्ञात हुआ कि जो नहर वाला एरिया है वो ग्राम जोरी है, जो कोतवाली क्षेत्र में लगता है। उनके द्वारा सूचना तत्काल मुझे दी गई कि ये ऐसा यहाँ पर जुआ चल रहा है और नहर के किनारे गड्ढा टाइप का है, वहाँ पर कुछ व्यापारी लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल अपने यहाँ से एक पार्टी भेज दी गई, तीनों पार्टियाँ मिल करके घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। कुछ तो मौके से भाग गए, लेकिन 8 लोग जुआ खेलते पकड़े गए, जिनके विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें से 3 वाहन मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह जब्त की गई हैं और 10,900 रुपये और ताश की पत्ती ये जब्त किया गया है, कार्रवाई की गई। ब्लड वैन में रक्तदान कराने की अनोखी पहल। रक्त की आवश्यकता हमेशा किसी न किसी को होती है, किंतु इस वैश्विक महामारी के चलते लोग रक्तदान करना तो चाहते हैं किंतु अस्पताल में जाकर रक्तदान करने में असहज महसूस करते हैं। इसी कड़ी में अग्रवाल समाज के युवाओं के द्वारा एक नई पहल की गई है, घर घर जाकर ब्लड वैन में ही रक्तदान कराना। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय रीवा के मार्गदर्शन में युवा अग्रवाल समाज के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन आज 10:30 बजे रानीगंज में किया गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। रक्तदान शिविर में डॉक्टर किरण त्रिपाठी एवं उनकी टीम के संरक्षण में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पहल की लोगों द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है। वहीं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा संस्था के सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं भी प्रेषित की गई हैं।
इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोहित अग्रवाल ने रक्तदान के फायदों के बारे में जानकारी दी। इस कड़ी में नारी शक्ति श्रीमती सुषमा पांडे ने रक्तदान कर महिलाओं को भी रक्तदान किए जाने के लिए प्रेरणा प्रदान की। शिविर में रक्तदान करने वालों में सत्यनारायण अग्रवाल, पवन अग्रवाल, विजय एवं प्रदीप अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने रक्तदान भी किया। प्रस्तुत है इस संबंध में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल एवं डॉक्टर किरण त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। सत्यनारायण अग्रवाल, आज आप ब्लड दान दे रहे हैं? जी हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको ब्लड देने में। जरूरतमंद लोगों का काम आएगा हमारा ब्लड कम से कम। दूसरी बार है कि पहली बार? ये दूसरी बार है, एक बार बहुत पहले दिया था मैंने। और युवाओं से भी कुछ कहना चाहेंगे? वो तो अब क्या, रक्तदान महादान सभी को देना चाहिए लोग काम के लिए। थैंक यू। पवन कुमार अग्रवाल, आज आप रक्तदान दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल। कैसा महसूस? बिल्कुल बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। पहली बार भी है कि कई बार? नहीं, लगभग मैं 12 सालों से ब्लड डोनेट कर रहा हूं। और लोगों को क्या अपील करना चाह रहा हूं? मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। हर 3 महीने 4 महीने में जब भी उनको समय मिले ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि उनसे इससे खून का संचार बढ़ता ही है। आज अग्रवाल समाज द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें जिला चिकित्सालय की टीम आकर करके ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा हमें बस प्राप्त हुई है, वैन है, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है इस समय पे कोरोना के टाइम पे ब्लड डोनेट करने के लिए। तो इसमें सभी युवा और जो बड़े हैं वो सभी हिस्सा ले रहे हैं। बढ़कर को सबको अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके, क्योंकि इस समय पर काफ़ी ज़रूरत है ब्लड की। वैक्सीनेशन होने के कारण कुछ लोग वैक्सीनेशन जो करा लिए हैं वो डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, और ब्लड की ज़रूरत लगातार बनी हुई है। उस कमी को पूरा देख करने के लिए इन सब लोगों ने ये सब काम किया है। कुछ लोग ब्लड देने से डरते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम ब्लड नहीं, नहीं ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती है, अच्छा ही होता है। ब्लड आप दान करते हो दूसरे का तो हित होता ही, आपका भी हित होता है कि आपका बोन मैरो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और अच्छा खून बनता है, जो आपके शरीर में जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है आपका। तो इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सभी डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर किरण त्रिपाठी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार अग्रवाल। आज ये रक्तदान पीड़ित मानव सेवा। आज जिस तरह से आज बीमारियों का माहौल है, परिस्थितियां हैं और ब्लड की आवश्यकता, तो ये यहाँ पर करीब 15 से 20 यूनिट आज ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। अग्रवाल युवा परिचय सम्मेलन के हमारे श्री मोहित अग्रवाल जी आयोजक हैं, और बहुत ही अच्छा पुनीत कार्य है। ब्लड डोनेशन के बारे में एक भ्रांतियाँ मैं वो बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन करने से बहुत सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, हार्ट की बीमारी है या अन्य कोई बीमारी है, कैंसर तक बीमारियाँ ब्लड डोनेशन ठीक होती है। क्योंकि जब हम ब्लड देते हैं तो हमारा नया ब्लड बनता है और 21 दिन के अंदर पुनः वही ब्लड हमारा रिफार्म हो जाता है। इसलिए हर 3-4 महीने में ब्लड डोनेशन देने में कोई भी प्रकार की कमजोरी या नहीं आती, बल्कि और भी जो बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह और शुगर का भी इसमें लाभ होता है, शुगर की बीमारियाँ उसमें भी लाभ मिलता है। इसलिए ब्लड डोनेशन हर स्वस्थ व्यक्ति को करते रहना चाहिए 60 साल तक, 18 से 60 साल की उम्र के बीच। कौन सी संस्था है ये? संस्था का नाम बता दीजिए। संस्था ही अग्रवाल समाज रीवा, अग्रवाल युवा परिचय सम्मेलन, सब इसमें सदस्य जुड़े हुए हैं जो आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और भी लोग हैं अन्य समाज के भी, वो भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।